मध्य प्रदेश के रतलाम जिले के युवा कलाकार एवं डायरेक्टर मुकेश व्यास मध्य प्रदेश की एक बड़ी फिल्म बना रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग डायरेक्टर एवं अभिनेता मुकेश व्यास ने मध्य प्रदेश के लगभग 40 शहरों में की है। उज्जैन शहर के आर्टिस्ट ने भी इस फिल्म युगा द जर्नी ऑफ लव में काम किया है। इस फिल्म की अंतिम शूटिंग शुक्रवार को तराना में श्री तिल भाडेश्वर मंदिर में हुई है। फिल्म की अंतिम शूटिंग में फिल्म के डायरेक्टर एवं हीरो मुकेश व्यास सहित फिल्म की पूरी स्टार कास्ट भी तराना पहुंची। यहां पर उन्होंने स्थानीय कलाकार सुभाष जोशी और अन्य कलाकारों के साथ भी तिल भंडारेश्वर महादेव मंदिर सहित अन्य जगहों पर फिल्म की अंतिम शूटिंग की है। फिल्म के डायरेक्टर एवं हीरो मुकेश व्यास ने मीडिया से चर्चा में बताया कि उन्होंने इस फिल्म को कंप्लीट करने में बहुत स्ट्रगल किया है, तब जाकर आज फिल्म पूरी बनकर तैयार हुई है। उन्होंने कहा कि 2 दिन का शूट वर्क बचा है जो यहां आकर कंप्लीट हुआ है। उन्होंने बताया कि फिल्म में हिंदी और मालवी भाषा का उपयोग किया गया है एवं यह भी बताया कि फिल्म में काम करने वाले ज़्यादातर कलाकार अपने अपने शहर के ही फिल्म का जोर शोर में अपने अपने क्षेत्र में प्रमोशन करेंगे। मूवी का नाम है युगा द जर्नी ऑफ लव जी, और इस फिल्म को बनाने का मेरा मुख्य उद्देश्य ये है कि हम मध्य प्रदेश के लोगों को फिल्म में काम करने का मौका मिले। होता यह है कि हमारे एमपी के लोग जब फिल्म में काम करना चाहते हैं तो उनको मुंबई के लिए भागना पड़ता है, और ये प्रैक्टिकली हम समझेंगे इस बात को कि ज़्यादातर लोग 99% लोग अगर मुंबई जाते हैं तो महीने दो महीने वहाँ पे अपना पैसा वेस्ट करते हैं और लौट के अपने अपने शहरों में वापस आते हैं। मतलब ये है कि हमारे लिए एक टफ जॉब है। इसमें हम ये नहीं कह सकते हैं कि हम मुंबई जा करके सक्सेस नहीं होंगे, होंगे, पर ऐसा है कि इतना स्ट्रगल बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, क्योंकि ज़्यादातर हम देखते हैं कि मुंबई में जो कई आर्टिस्ट हैं वो वहाँ की भीड़ में जाकर खो जाते हैं। तो मेरा मुख्य उद्देश्य ये रहा है कि हम मध्य प्रदेश के लोगों को लेकर के कोई फिल्म बनाएं, और मध्य प्रदेश में भी काफ़ी लोकेशन से शूटिंग के लायक हमारे एमपी की लोकेशन को हम अपनी मूवी में यूज़ करें। क्या छोटी जगह है, छोटी जगह से आप आते हैं, एक बड़ा आपने एक लिया है, एक संकल्प, एक तरीके से संकल्प कह सकते हैं इसको, कि संकल्प है आपका। स्थानीय कलाकारों को भी आप मौका दे रहे हैं, स्थानीय कलाकार इसको किस रूप में देखते हैं? स्थानीय कलाकारों के लिए एक अवसर है कि हम हमें जो क्षमता है उस क्षमता को हम इस फिल्म के माध्यम से अपनी क्षमता को हम प्रेजेंट कर सकते हैं। जो आर्टिस्ट इस फिल्म में काम कर रहा है उन सभी को एक्चुअली होता क्या है कि हम एक्टिंग को ढंग से खुद की हम जो एक्टिंग करते हैं हमको लगता है कि हम बहुत अच्छे आर्टिस्ट हैं, ठीक है। अब आर्टिस्ट हैं तो साबित कैसे होगा जब तक हम कैमरे को फेस नहीं करेंगे? हाँ, अगर हमें कहीं आगे भी अपॉर्चुनिटी मिलती है तो इस मूवी के माध्यम से हम एक अपने मध्य प्रदेश के लेवल पर तो किसी मूवी का एक हिस्सा बने। तो जो भी न्यू कमर्स है, जो नए आर्टिस्ट हैं, वो इस मूवी में काम कर रहे हैं। पूरे मध्य प्रदेश के लगभग 40 शहरों में हमने फिल्म की शूटिंग करी है और 40 शहरों के कलाकार इस फिल्म में काम कर रहे हैं, तो एक अच्छा अवसर है सभी नए जो आर्टिस्ट है उनके लिए यह एक फिल्म। तराना की जगह में आपको पसंद में किस हिसाब से आई? देखिए, इसके दो कारण हैं। एक तो हमें बताया गया है कि यहाँ पे एक जो मंदिर है, एक काफ़ी प्राचीन मंदिर है, और तिलकेश्वर महादेव का मंदिर, और यहाँ पर इस लोकेशन का काफ़ी कुछ धार्मिक और ऐसा महत्व है। तो उस हमको जब ये पता चला तो हमने सोचा कि एक शॉट यहाँ पे हमको लेना चाहिए, और यहाँ के एक अच्छे कलाकार सुभाष जी जोशी जी भी हमें हमने जो ऑडिशन लिया था तो इन्होंने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया था, तो मैंने सोचा कि यहाँ के कलाकार भी हैं और यहाँ की लोकेशन भी है, और इसलिए हमको एक शॉट यहाँ लेना चाहिए। और हमारा उद्देश्य ये है कि मध्य प्रदेश के कई शहरों में हम शूट करें, तो तराना भी एक उसका हिस्सा। हमने उज्जैन में भारत माता के मंदिर में शूटिंग करी, इसके पहले का शॉट हमारा देवास में जो तुकोजीराव पवार स्टेडियम है वहाँ हमने शूट किया था। ऐसे पूरे एमपी को हम लोगों ने कवर किया और ये लगभग आखिरी का शॉट तराना में हम लोग ले रहे हैं। ये जो अपने मन में दिल में जो इच्छाएँ रखते हैं फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए, उन युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, अगर किसी को अगर एक्टिंग का शौक़ है
तो मेरा ऐसा मानना है कि हर व्यक्ति में एक कलाकार बैठा होता है। आम तौर पर हम ये सोचते हैं कि एक्टिंग का कोर्स होता है, लाखों रुपए खर्च करते हैं बड़े बड़े शहरों में जाकर के, कोई इंदौर जा रहा है, कोई भोपाल, मुंबई और पता नहीं कहाँ कहाँ। हकीकत यह है कि आर्टिस्ट तो हम स्वयं हर व्यक्ति में एक करेक्टर बैठा हुआ है। हमें ये सोचना चाहिए कि हम भी एक्टिंग कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना चाहिए, पर उसके लिए ज़रूरी नहीं कि कई बड़े शहरों में हमें उसके लिए ट्रेनिंग करना पड़ती है। हम में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो मुंबई में ट्रेनिंग लेके आया, परंतु हमने एक फिल्म रिलीज कर दी है, उसका नाम है एम्प्टीनेस तेरे बिना, और बिना ट्रेनिंग के करिए। और सेकंड मूवी लगभग कंप्लीट है, युगा द जर्नी ऑफ लव, और बिना ट्रेनिंग के। परंतु चूंकि हर व्यक्ति में एक आर्टिस्ट है, हमने इस बात को महसूस किया और यहाँ ही हम इस मूवी के माध्यम से साबित करेंगे कि अगर थोड़ा सा प्रयास किया जाए तो कोई भागा दौड़ी करने की ज़रूरत नहीं। अपने क्षेत्र में रहकर भी हम अपने फिल्मों को, हम अपने इंडस्ट्री को, मालवा फिल्म इंडस्ट्री को भी हम यहाँ रह करके डेवलप कर सकते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। उज्जैन से राजेंद्र परिहार की रिपोर्ट।